अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को मेजर क्रॉप्स के ऊपर। इनमें हम देखेंगे कि इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स होते हैं, इंडिया में कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो वाहिद सिर्फ इंडिया जिनमें पॉपुलर है, और कौन से वो क्रॉप्स हैं जो जिनमें इंडिया की बहुत जो है मार्केट चल रही है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दें पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन होती है पर्ल मिलेट की, तो वह है राजस्थान। राजस्थान वो स्टेट है इंडिया की जिसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन होती है पर्ल मिलेट की। और यहाँ पे हमने इसकी इन्फो में ऐड किया हुआ है कि जो सैंडी सॉइल होती है वो बहुत सूटेबल होती है हाई क्वालिटी के पर्ल मिलेट के लिए। ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि किस टाइप की जो सॉइल होती है, किस टाइप की मिट्टी जो होती है सूटेबल रहती है हाई क्वालिटी के पर्ल और मिलेट के लिए, तो है सैंडी सॉइल। नंबर टू पे देखते हैं कि कौन सा जो है मेजर वीट ग्रोविंग रीजन है इंडिया के अंदर, तो है पंजाब हरियाणा प्लेन्स। यही कि अगर इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट जिस जगह पे ग्रो होता है तो वो जगह है पंजाब हरियाणा प्लेन्स, क्लियर है। थ्री पे देखते हैं कि लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का वर्ल्ड के अंदर वो कौन है, तो इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी, क्योंकि ऐसे बहुत जो करंट अफेयर है वो आपको एमसीक्यू और जो है क्वेश्चंस की सूरत में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फोर के ऊपर के खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो और किस नाम से जाने जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या है, मैं पहले आपको इसकी इन्फो देती हूँ कि खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने कंट्रीज हैं, उनमें जब रेनी सीजन चलते हैं तो उनमें खरीफ क्रॉप्स का सीज़न होता है, यानी कि हम इस सीज़न को नाम ही दे देते हैं खरीफ क्रॉप्स का सीज़न। और इसे हम मॉनसून और ऑटम क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रेनी सीजन से जो होता है जुड़ा होता है। जब जहाँ पर भी रेनी सीज़न होगा वहाँ पर वो खरीफ क्रॉप्स ही उग रहे होंगे, क्लियर है। फाइव पे देखते हैं कि कौन सी जगह है इंडिया में जो कि टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, तो वो जगह है डिब्रूगढ़। सिक्स पे है वो कौन सी चीज़ है जिसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो वो चीज़ है जूट। और जूट को क्यों गोल्डन फाइबर कहा जाता है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो जूट होती है वो गोल्डन फाइबर के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये शाइनी ब्राउन कलर में होती है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है किसको, जूट को, क्लियर है। सेवन पे देखते हैं कि जो रबी क्रॉप्स हैं वो और किस नाम से जो हैं जाने जाते हैं। रबी क्रॉप्स के हैं इंडिया में तीन जो हैं मेजर क्रॉप्स की जाती हैं, तीन सीजन्स होते हैं जिसमें से एक खरीफ था जिसे हमने डिस्कस कर लिया जो कि रेनी सीज़न होता है, दूसरा है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो सीज़न होता है जो कि विंटर में स्टार्ट होता है। विंटर में जितनी भी क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं, जितने भी उस सीज़न में चीज़ों को उगाया जाता है, जितने क्रॉप्स को, वो सारी जितनी भी विंटर की सीज़न में आती हैं वो सारी रबी क्रॉप्स के नाम से जानी जाती हैं, इसीलिए रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। इन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है। तो एट पे देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को किस तरह से डिक्लेयर किया है, तो उन्होंने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से डिक्लेयर किया है, किसने, यूनाइटेड नेशंस ने। आगे चलते हैं नाइन के ऊपर कि कौन सा जो है शॉर्ट सीजन है जो कि खरीफ और रबी सीज़न के दरमियान में आता है। देखिए पहले हमने बात की है कि तीन जो हैं सीजन्स होते हैं एक साल के अंदर जिनमें मेजर जो हैं जाने जाते हैं क्रॉप्स के, जिसमें से हमने रबी को भी देख लिया, खरीफ को भी देख लिया, और तीसरा है ये ज़ैद। और यहाँ पे हमें हिंट मिल रहा है कि ये एक शॉर्टेस्ट सीज़न है, जिसका हमें इसके क्वेश्चन में ही मिल रहा है कि कौन सा शॉर्ट सीज़न है जो कि खरीफ और रबी के दरमियान में आता है, तो वो ज़ैद है जो कि खरीफ और रबी के दरमियान में आता है। कैसे है, कौन सा है, इसे हम आगे साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं टेन के ऊपर है कि क्रॉप्स जो कि ज़ैद सीज़न में उगाई जाती हैं उन्हें किस नाम से जो है जाना जाता है, तो उन्हें ज़ैद क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। वो तमाम क्रॉप्स जो कि ज़ैद सीज़न में उगाई जाती हैं, जितने भी ज़ैद सीज़न के अंदर क्रॉप्स उगाई जाएँ उन्हें हम ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं। 11 के ऊपर है कि राइस और जो कॉटन है वो किस सीज़न में जो है ग्रोन होता है,
तो ये दोनों जो है खरीफ सीजन के प्रोडक्ट्स हैं, राइस और कॉटन। और खरीफ सीजन कौन सा था वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेनी सीजन जो है मॉनसून का वो खरीफ सीजन। 12 पे देखते हैं कि पम्पकिन, कुकम्बर, वाटरमेलन, बीटर गाउट, ग्रॉन जो के किस सीजन में होते हैं, तो ये सब होते हैं जेड सीजन के अंदर। कौन से? पम्पकिन, कुकम्बर, वाटरमेलन, बीटर गाउट, ग्रॉन, ये सारे जो हैं ये ग्रोन होते हैं जैद सीजन के अंदर, सारे जैद क्रॉप्स हैं। 13 पे देखते हैं कि खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो हार्वेस्ट किस मंथ से किस मंथ तक किए जाते हैं, तो जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं उनका जो हार्वेस्टेड मंथ होता है, टाइम होता है, ये इंडिया के लिहाज से वो है तकरीबन सितंबर टू अक्टूबर। आगे है 14 के ऊपर के डैश क्रॉप्स जो हैं जिन्हें हाई जो है टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की नीड होती है, तो वह हैं खरीफ क्रॉप्स जिन्हें हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की नीड होती है ग्रोन करने के लिए। 15 के ऊपर के कौन सा सीज़न जो है शॉर्ट सीज़न है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि सैद सीज़न जो कि शॉर्टेस्ट और जो कि मिड में आता है खरीफ और रबी के, वो है सैद सीज़न और ये सबसे शॉर्ट सीज़न है जो जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 16 के ऊपर के वो क्रॉप्स जो कि मॉनसून की एंड पे बोए जाते हैं और विंटर सीजन की बिगिनिंग में, यानी कि वो कौन से क्रॉप्स हैं जो कि मॉनसून की जो है एंड पे उगते हैं और विंटर सीजन के स्टार्ट में, तो यहाँ से हमें क्या हिंट मिल रही है? मॉनसून सीजन कौन सा था? खरीफ सीजन। विंटर सीजन कौन सा था? रबी का सीज़न। और यहाँ पे देखिए वो हमसे पूछ इस वे में रहे हैं कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमने जो है हमने गौर से देखना है कि वहाँ पे पूछ रहे हैं बिगिनिंग में, विंटर सीजन की बिगिनिंग में, तो विंटर सीजन में कौन से जो है क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है, तो वो है रबी। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने गौर से जो है स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ा करना फिर अटेम्प्ट किया करना, यहाँ पे अक्सर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं 17 के ऊपर की है कि वीट, मस्टर्ड, पल्सेस, बार्ले किस सीज़न में जो है ग्रोन किए जाते हैं, तो मस्टर्ड, वीट, पल्सेस, बार्ले ये सारे जो हैं रबी सीज़न में यानी कि विंटर सीज़न में ग्रोन किए जाते हैं, और ये एक एक आप से अलग अलग भी पूछ सकते हैं और ये हमें आगे जो है आएंगे भी। नेक्स्ट देखते हैं 18 के ऊपर कि जो रबी क्रॉप्स हैं वो विंटर में किस सीज़न में किस सीज़न तक जो है सोन किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो है अक्टूबर टू दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं 19 के ऊपर कि जो रबी क्रॉप्स हैं वो समर में हार्वेस्ट किए जाते हैं, तो उनका टाइम पीरियड क्या होता है, तो उनका टाइम पीरियड होता है हार्वेस्ट करने का अप्रैल टू जून। 20 पे देखते हैं कि कौन से क्रॉप्स हैं जो कि एक्सटेंसिव जो स्केल है उसके ऊपर कल्टीवेट किए जाते हैं, क्योंकि कोई इंसान और कोई जो मैनेजमेंट होती है वो उसे खरीदती है, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं हम, तो उन प्लांट्स को हम कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स, उन क्रॉप्स को प्लांटेशन क्रॉप्स कहा जाता है जो कि कोई भी इंसान और कोई मैनेज करने के लिए इंडिविजुअल और कंपनी खरीदती है और जो एक्सटेंसिव स्केल के ऊपर कल्टीवेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में दो चीज़ें मिल रही हैं, पहली ये कि वो कोई इंडिविजुअल और कोई कंपनी मैनेज करने के लिए खरीदती है और दूसरा वो एक्सटेंसिव स्केल पे जो है कल्टीवेट किए जाते हैं, तो है प्लांटेशन क्रॉप्स, माइंड में रखना है आपने। 21 पे देखते हैं कि कौन सा क्रॉप्स हैं, कौन से वो क्रॉप्स हैं जो कि हाई लेवल पे प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो है प्लांटेशन क्रॉप्स जो कि हाई लेवल पे प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ तक हमारे जितने भी हमने डिस्कस किए हैं उम्मीद है क्लियर हो चुके होंगे। 22 पे चलते हैं कि जो टी और कॉफ़ी है वो किसकी एग्जांपल है, तो टी और कॉफ़ी प्लांटेशन क्रॉप्स की एग्जांपल है। 23 के ऊपर के रबर जो है वो क्या है, तो रबर एक प्लांटेशन क्रॉप्स में है। 24 के ऊपर है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है, वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का वो कौन है, तो है थाईलैंड। 25 पे देखते हैं कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का इंडिया के अंदर वो कौन सी सिटी है या स्टेट है, तो है केरला। 26 पे देखते हैं कि वीट की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर वो कौन सी स्टेट और सिटी है, तो वो है उत्तर प्रदेश। 27 के ऊपर है कि वीट की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया के अंदर पहले नंबर पे वो कौन है, तो वो है चाइना, यानी कि चाइना दुनिया में पहले नंबर पे है वीट ग्रोन करने में।
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट की दुनिया में चाइना। नेक्स्ट चलते हैं 28 के ऊपर कि जो मस्टर्ड है वो किस टाइम का क्रॉप है। तो मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है। 29 के ऊपर है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मस्टर्ड का दुनिया के अंदर वो कौन सी कंट्री है, तो है चाइना। मस्टर्ड की भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री चाइना है और वीट की भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री चाइना ही है। 30 के ऊपर है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मस्टर्ड की इंडिया के अंदर वो कौन सी स्टेट है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान इंडिया की जो है लार्जेस्ट स्टेट है। चलते हैं 31 के ऊपर के जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है वो और किस चीज़ से जो है एसोसिएट कर रहा है, तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के साथ एसोसिएट कर रहा है। 32 के ऊपर है कि कॉटन जो है वो मेनली इंडिया में किस जगह में पाई जाती है, तो कॉटन जो है गुजरात जो कि इंडिया की एक स्टेट है उसमें मेनली पाई जाती है। 33 के ऊपर है कि जो कोकम्बर है वो किस क्रॉप की एग्जांपल है, तो वो जैद क्रॉप की एग्जांपल है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, हमने अपने काफ़ी जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। पीछे हमारे पास सिर्फ बहुत कम जो है करंट अफेयर बाकी है, तो आपने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। नेक्स्ट चलते हैं 34 के ऊपर के कौन से क्रॉप्स हैं जो कि खरीफ और रबी सीज़न के दरमियान में उगाए जाते हैं। ये रिपीट हो रहा है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ज़ैद क्रॉप्स जो हैं वो खरीफ और रबी सीज़न के दरमियान में सीज़न आता है, उसे हम ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं। 35 के ऊपर के ज़ैद क्रॉप्स और किस नाम से जो हैं जाने जाते हैं, तो ज़ैद क्रॉप्स गैप फिलर के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आपने इसे याद कैसे रखना है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक चीज़ मिड में आ रही है, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे और चीज़ है, राइट साइड पे और चीज़ है, दरमियान में गैप है, तो वो जो मिड में चीज़ आएगी, जैसे कि ज़ैद क्रॉप आ रहा है, एक साइड पे खरीफ सीज़न है जो कि मॉनसून जिसे कहा जाता है, और एक साइड पे रबी है जिसे विंटर सीज़न कहा जाता है, विंटर भी क्रॉप्स कहा जाता है, तो दरमियान में ज़ैद क्रॉप्स आते हैं, तो इसे हम इस तरह गैप फिलर के नाम से भी जान सकते हैं। ये आपको हिंट के तौर पे समझा रही हूँ ताकि आप जो है इससे क्लियर कर पाएँ। तो 36 पे देखते हैं कि जिस टाइम पे ज़ैद क्रॉप्स को जो है सोन किया जाता है तो वो प्लेस टू प्लेस जो है चेंज होता है, जो कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रेनी सीज़न के ऊपर। तो मैं आपको यहाँ पे ज़ैद क्रॉप्स की एक और चीज़ क्लियर करती हूँ कि जो ज़ैद क्रॉप्स होते हैं ये समर में होते हैं, गर्मियों के अंदर जो है ज़ैद क्रॉप्स को उगाया जाता है और इन्हें जो है वार्मेस्ट गर्म जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे कि हमने देखा कि रबी को जो है वो विंटर क्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि उन्हें जो है कूलेस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है, और खरीफ को जो है बारिशें जो हैं चाहिए होती हैं। उसी तरह जो ज़ैद क्रॉप्स हैं उन्हें वार्मेस्ट सीज़न चाहिए होता है, और बारिशों की सीज़न पे ये इसलिए डिपेंड करता है कि जब रेनी सीज़न जो है ख़त्म होता है भी ये स्टार्ट होता है उसी के ख़त्म होने में, और ये प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है, चेंज होता है। ये नहीं कि एक ही टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है ये सीज़न चल रहा होता है एक साथ, ऐसा नहीं होता, ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, कभी किसी कंट्री में होता है और किसी टाइम किसी कंट्री में वो चल रहा होता है, सिर्फ डिपेंड करता है समर सीज़न के ऊपर क्योंकि इन्हें वार्मेस्ट जो है टेम्परेचर चाहिए होता है। 37 के ऊपर कि शुगर केन जो है वो किस क्रॉप्स की एग्जांपल है, तो शुगर केन खरीफ क्रॉप्स की एग्जांपल है। 38 पे देखते हैं कि कौन से जो क्रॉप्स हैं जिन्हें लॉट ऑफ वाटर और हॉट वेदर जो है चाहिए होता है, तो वो है खरीफ। खरीफ जैसे कि हम जानते हैं कि मॉनसून के वेदर को कहते हैं, ये भी समर सीज़न में उसकी स्टार्ट में आता है जब बारिशें होती हैं, तो उस सीज़न को जो है वो खरीफ सीज़न कहा जाता है जिसमें खरीफ क्रॉप्स होती हैं, अगर हम क्रॉप्स के हिसाब से इन्हें देखें तो। 39 के ऊपर है कि अरेबिक जो ट्रांसलेशन है रबी की वो क्या है, तो वो है स्प्रिंग, यानी कि अरेबिक ट्रांसलेशन में रबी का जो है वो है स्प्रिंग। 40 के ऊपर है कि वो क्रॉप जो कि विंटर में जो है उन्हें सोन किया जाता है, विंटर में उगाई जाती हैं, तो उस सीज़न को क्या कहते हैं, तो उस सीज़न को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। 41 के ऊपर है कि जो मेजर रबी क्रॉप है इंडिया के अंदर वो कौन सी है, तो वह है वीट, यानी कि इंडिया में रबी क्रॉप्स में से जो सबसे बड़ी मेजर क्रॉप है वो है वीट जो कि उगाई जाती है। 42 के ऊपर है कि कौन सा जो है वेजिटेबल ऑयल है जो कि प्लांट्स के सीड्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो जो ऑयल सीड है वो वेजिटेबल ऑयल है जो कि प्लांट्स के सीड्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे निकाला जाता है प्लांट्स के सीड्स में से,
तो नेक्स्ट चलते हैं 43 के ऊपर के, दुनिया में जो हाईली प्रोड्यूस्ड ऑयल सीड हैं वो कौन से हैं? तो हैं सोयाबीन्स। सोयाबीन्स दुनिया में हाईली प्रोड्यूस्ड ऑयल सीड हैं। 43 पे आके कोको जो है वो इंडिया के किस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है? तो कोको इंडिया की मध्य प्रदेश स्टेट में उगाया जाता है। 44 के ऊपर है, ऑयल जो है सीड के किस हिस्से से जो है फाउंड किया जाता है? वो पार्ट है एंडोस्पर्म, जिसमें से ऑयल जो है सीड में से फाउंड किया जाता है। नेक्स्ट है 45 के ऊपर कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड कर रही है इंडियन इकोनॉमी? तो इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड कर रही है, यानी कि इंडियन जो है इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, उसकी मोस्टली जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस कर रही है। 46 के ऊपर देखते हैं कि कितने जो टाइप्स हैं क्रॉप्स के जो कि सीजन्स पे बेस्ड हैं। तो हमने जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं हम, खरीफ, ज़ैद और जो है रबी, ये तीनों जो हैं क्रॉप्स हैं जो कि सीजन्स पे बेस्ड कर रहे हैं। तो यस द आंसर इज 3। 47 के ऊपर है कि कॉटन की प्रोडक्शन में अगर हम इंडिया का ग्लोबल रैंक देखें तो इंडिया किस नंबर पे आता है? तो ग्लोबली रैंक जो है इंडिया कॉटन में की प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है, यानी कि इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है कॉटन प्रोडक्शन के अंदर। 48 पे देखते हैं कि शुगर केन को मेच्योर होने में कितने मंथ जो हैं चाहिए होते हैं? तो शुगर केन को 10-15 मंथ जो होते हैं मेच्योर होने के लिए चाहिए होते हैं। 49 के ऊपर देखते हैं कौन सी कंट्री जिसे ब्रेड बास्केट जो है कहा जाता है, वो कंट्री है यूक्रेन। 50 के ऊपर है कि जो लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर वो कौन सी है? तो इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है बिहार। तो उम्मीद है कि हमने आज जितने करंट अफेयर डिस्कस किए हैं सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने रिव्यू शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।